चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे ही मैं 22 अगस्त को बैंक गई थी तो वहां पे उन लोगों ने मना कर दिया कि आपकी कोई यूट्यूब पेमेंट नहीं आई है। फिर उसके में $100 से भी ऊपर मेरी इनकम पहुंच गई। मैंने उसे कहा था कि जो यूट्यूब का काम है वो तुम बंद कर दो अभी हाल फिलहाल के, और ऐसे में मेरा फोन टूट गया था। मैं मानती हूँ कि आजकल की लाइफ में सिर्फ जेंट्स के लिए कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ तो खोया है, लेकिन जो भी खोया है उसका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आ चुकी है मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट। और पेमेंट का सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आप सबको भी बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। YouTube पेमेंट आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अकाउंट में जो मेरे डॉलर थे वो तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए, लेकिन पेमेंट को मेरे पास तक आने तक का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा रहा। मतलब और क्या क्या दिक्कतें आई YouTube जर्नी के दौरान, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आप सब मुझसे पूछते रहे कि फैमिली में आप सबके कौन कौन सपोर्टिव हैं, कौन आपको सपोर्ट करते हैं, और आपकी ससुराल फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है आपके YouTube पर आने के बाद, आपके मम्मी पापा भाई बहन क्या मतलब सब आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और सबसे मेन पर्सन मेरे हस्बैंड, क्या वो मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। तो आज सारे सवालों के जवाब दूंगी। उससे पहले मैं दिखाऊंगी आप सभी को अपनी YouTube की फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। तो मेरी सोच के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आई है, मैं बता नहीं सकती आप सभी को। तो सबसे पहले तो मैं YouTube की पेमेंट आप सभी को दिखा देती हूँ। तो ये रही मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट, एंड कितनी आई है वो मैं पूरा आप सभी को गिन के बताऊंगी। तो चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो मैं सिर्फ 20 तक गिनी हूँ, और अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मेरे जो YouTube पेमेंट है वो 10 से ऊपर आई है, और इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है कि आप अपनी YouTube पेमेंट को एकदम करेक्ट जो वर्ड होते हैं उन शब्दों में नहीं बता सकते कि कितनी आई है। तो मैंने सिर्फ आप सभी को हिंट दिया है। तो ये मेरी सोच के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आई है, और मेरे लिए ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरे यूट्यूब परिवार का बहुत सारा प्यार सपोर्ट है, ईश्वर का आशीर्वाद है, और मेरी मेहनत है। उन्हीं सब के चलते आज मैं इस काबिल बन पाई हूँ कि ये दिन मेरी लाइफ में आया कि मैं आज अपनी कमाई को अपने हाथ में लेकर खड़ी हूँ आप सभी के सामने। तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरी सभी YouTube फैमिली का, और खासकर भोलेनाथ का, उनका बहुत ज्यादा साथ और सपोर्ट रहा इस YouTube जर्नी के दौरान। क्योंकि एक वो चीज होती है कि हम देख नहीं सकते उन्हें, लेकिन हम महसूस जरूर कर सकते हैं क्या वो हमारे साथ हैं या नहीं है। तो हाँ, ये सब मेरे साथ हुआ, बहुत सारे चमत्कार भी हुए मेरे साथ चैनल पर जब मैं काम की, और ये बिल्कुल भी हंसी मजाक वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने खुद अपने आप से वो चीजें नोटिस की है, क्योंकि यूट्यूब पर आना तो बहुत आसान है, लेकिन आगे ग्रोथ करना और पैसा कमाना ये बहुत मुश्किल काम है, और खासकर मुझ जैसी हाउसवाइफ के लिए जो बिल्कुल एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, ये तो रही मेरी यूट्यूब की कुछ ऐसी बातें जो मैं आप सबको बताना चाहती थी, और अब मैं शेयर करूंगी आप सभी से कि इस यूट्यूब पेमेंट को आने के लिए मेरे तक कितना ज्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। तो सबसे पहली बात तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था मई की लास्ट को, और जून तक मेरे चैनल पर कोई भी व्यूज नहीं आ रहा था, बहुत कम व्यूज था। जैसे तैसे करके मैंने बहुत टाइम पूरा तो कर लिया था, और उसके बाद बहुत टाइम पूरा किया, लाइव स्ट्रीम करती थी मैं और लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाती थी ताकि जल्दी से मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत की, तो वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हुआ था लगभग 1.5 साल में।
तो डेढ़ साल पूरा लगा मेरे चैनल के वॉच टाइम को पूरा होने में। और इस दौरान ऐसा भी होता था कि एक आध दिन वीडियो ना जाती थी, तो उससे क्या होता था, जो वॉच टाइम था वो बहुत ज्यादा माइनस हो जाता था। यूट्यूब का ये सिस्टम सबसे ज्यादा खराब लगता है कि अगर आप एक दिन भी एक्टिव नहीं रहे अपने चैनल पे, तो आपके जो एरो होते हैं ना वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। सारा जितना भी सिस्टम आपका चल रहा होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। YouTube बिल्कुल एक दुकान की तरह है, अगर आपने एक दिन अपनी दुकान नहीं खोली तो आपकी दुकान के जो ग्राहक है ना वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। सेम वैसा ही YouTube है, अगर YouTube पे आप एक दिन दो दिन मिस कर दोगे ना वीडियो, तो जो आपकी पब्लिक है वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, और ये बिल्कुल सच है। तो इसीलिए कंटिन्यू काम करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार डिमोटिवेट हुई, बहुत बार मैंने सोचा कि यूट्यूब छोड़ दूं या फिर इस चैनल को बंद करके कोई दूसरा चैनल खोल लूं, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरा चैनल है वो पूरी तरह से डेड हो चुका है। डेढ़ साल के बाद मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ था और मोनेटाइजेशन होने के बाद भी मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। लेकिन फिर मैंने खुद से ही मतलब किया कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो अभी तक मतलब मैंने कभी नहीं किया अपने चैनल पे, और साथ में कंटेंट भी वही रहे। मैं कंटेंट चेंज नहीं कर सकती थी क्योंकि फिर व्यूअर्स पे इसका गलत असर पड़ता है कि आप पहले कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो, तो ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, वो फेस करनी पड़े। तो मैं कुछ ऐसा किया कि उसी कंटेंट में मैंने थोड़ा सा अपनी वॉइस ओवर करके एक अच्छी सी मैं एडिटिंग करना सीखी, और वो एडिटिंग की मैंने अपने मिनी ब्लॉगों में। तो और ये जो पेमेंट है वो ये सारी मेरी मिनी ब्लॉग की है सच पूछो तो, और एक ही महीने की कमाई है ये मेरी, क्योंकि जून तक मुझे कोई डॉलर भी नहीं बना था। जून में भी ऐसे 3-4 डॉलर मुझे बने थे, उसके बाद जैसे ही जुलाई लगा वैसे ही मेरी इनकम यहाँ से यहाँ पहुंच गई, और एक ही महीने में मेरे 140 डॉलर बन गए थे। अब आप सोचिए 140 डॉलर की कितनी ज्यादा पेमेंट होती है एक मामूली सी यूट्यूबर के लिए। तो अब तो मैं मामूली यूट्यूबर नहीं हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे तो सिर्फ छोटी सी फैमिली की जरूरत थी, लेकिन आप सबने इतना ज्यादा प्यार सपोर्ट दिया कि फैमिली मेरी बढ़ती ही चली जा रही है, और अभी तो पता नहीं कितनी बढ़ेगी। तो बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और महादेव से मैं हमेशा यही प्रे करूंगी और आपका मेरा साथ इसी तरह बना रहे। ये मुझे रिसीव हुई थी 21 अगस्त को और मेरे अकाउंट में आई थी, ये 21 अगस्त को आ गई थी, मेरे पास मेल आ गया था 21 अगस्त को कि आपके जो YouTube पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ गई है। लेकिन जैसे ही मैं 22 अगस्त को बैंक गई थी तो वहां पे उन लोगों ने मना कर दिया कि आपकी कोई यूट्यूब पेमेंट नहीं आई है। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैं हस्बैंड को भेजी और एक दो बार और भेजी, तो ऐसे करते करते मतलब 8 दिन पूरा बीत गया था और मेरे चैनल पे मेरे जो अकाउंट में पेमेंट नहीं आई थी। फिर 10 दिन के बाद यानी 30 तारीख को मैं खुद गई थी बैंक हस्बैंड के साथ, और मैं वहां जाके पर्सनली उन लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर की, उन्हें मेल वगैरह दिखाया कि देखो मेरे फोन में एक मेल आया हुआ है कि आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में भेज दी गई है, तो फिर मेरे अकाउंट में पेमेंट क्यों नहीं आई है मुझे बताइए। और फिर उन्होंने कुछ छानबीनी की होगी, कुछ चेक किया होगा, मुझे नहीं पता उन सब के बारे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप घर जाइए और 1-2 दिन के बाद आपकी जो पेमेंट है वो हो सकता है आ जाएगी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो बस इतना पूछ के मैं सीधा मायके चली गई थी क्योंकि आ गया था रक्षाबंधन। तो 31 का रक्षाबंधन मैं की थी, तो 30 को ही मैं अपने यहाँ से ससुराल से चली गई थी और सीधा बैंक ही गई थी मैं सबसे पहले। तो जैसे ही मैं मायके पे पहुंची, मायके मतलब घर पर पहुंची, वहीं पे मुझे मेल आ गया था। जाते ही मतलब पहुंचते ही मुझे मेल आ गया था कि आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ चुकी है और आप अब रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा खुशी का पल मेरे लिए वही था क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी जो पेमेंट थी वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से मुझ तक पहुंची है, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी कि बस जैसे तैसे करके जो फर्स्ट पेमेंट है वो मुझे रिसीव हो जाए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो वैसे ये डरने की बात बिल्कुल नहीं होती है, जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है तो 10 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट जो होती है वो महीने की लास्ट तारीख ही होती है। और खासकर जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है तो आपको जो मैनेजर होता है बैंक का उनसे जरूर आप कंफर्म कीजिएगा, उन्हें अपना मेल दिखाइए,
अगर आपके चैनल में आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है तब कि हमारे अकाउंट में इस तरह से पेमेंट आ गई है, हमारे पास मेल आया है, तो आप चेक कीजिए एक बार और हमारे जो अकाउंट है उसको रिफ्रेश कीजिए, क्या वो पेमेंट आई है या नहीं, तो आपकी जो पेमेंट है वो आ जाएगी। इस तरह से ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, तो 10 दिन के बाद ये पेमेंट मुझे रिसीव हुई थी और अभी मुझे मिले हुए इस पेमेंट को 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मैं आप सबके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मैं मायके में थी और वहां चल रहे थे फंक्शन, और इसीलिए मैं ये अपनी जो YouTube वीडियो है, YouTube की जर्नी की वीडियो है, वो नहीं शेयर कर पा रही थी। तो चलिए, ये तो थी मेरी पेमेंट की बातें, और अब मैं बताऊंगी कि मुझे मैं कब YouTube पर आई, कैसे कैसे मैं YouTube पर आई, कितना टाइम मुझे लगा ग्रोथ करने के लिए, क्या मैं ट्रिक की जिसकी वजह से मुझे YouTube पर इतनी जल्दी सक्सेस मिली और एक ही महीने में $100 से भी ऊपर मेरी इनकम पहुंच गई। तो सबसे पहले तो मैंने चैनल बनाया था आज से पूरे 4 साल पहले, 12 अगस्त 2019 को, लेकिन मुझे इतना बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं कभी YouTube पर आऊंगी। मैं सिर्फ चैनल एडिट कर ली थी, मुझे जैसे मैं टैली की थी ना, डिप्लोमा की थी टैली का, तो उस टाइम से मुझे ये कंप्यूटर वगैरह चलाना बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे फोन में आई, तो जैसे ही मेरे पास स्मार्टफोन आया, और वो फोन आया था मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था शादी पे, गिफ्ट किया था, तो बस उसी फोन में मैंने ऐसे ही एक चैनल अपना बना लिया था। लेकिन मैं कभी भी उस पर वीडियो पोस्ट नहीं करती थी, लेकिन शादी के लगभग 1-1.5 साल बाद जब ध्रुव मेरी लाइफ में आया, उसके बाद मुझे छोटे वाले भाई ने सजेस्ट किया, मेरा जो भाई है अनिल, उसने मुझे बताया कि दीदी आप ध्रुव की जो भी छोटी मोटी वीडियो होती है ना, उनको बना के आप यूट्यूब पे डाला करो, लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और आपको पब्लिक फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, और साथ में आपकी इनकम भी होगी। तो बस उसने मुझे इतना सजेस्ट किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मुझे क्या बता रहा है, ये तो बहुत गलत काम है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सोशल मीडिया पे आके अपनी बच्ची को शो करना और साथ साथ में खुद को दिखाना, ये बहुत गलत बात है, मैं ऐसा, मतलब उस टाइम पे मेरी ऐसी थिंकिंग थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो थिंकिंग है ना, पता नहीं कैसे मेरी चेंज होती गई और मुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता चला गया कि हाँ, ये बिजी रहने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, और अगर इससे इनकम होती है तो मैं क्यों ना एक ऐसा कंटेंट लेके आऊं जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और मैं पैसा भी कमा पाऊं और साथ साथ में नेम भी कमा पाऊं और बिजी भी रहूं। तो सबसे मेन मेरा मुद्दा था यूट्यूब पे आने का, बिजी रहने का, और इंसान के जिंदगी में बिजी रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा आप फ्री रहेंगे उतना ही ज्यादा आप जिंदगी में उलझे रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात मैं बता रही हूँ आपको। तो अगर आपका YouTube चैनल नहीं है तो आज ही चैनल क्रिएट कर लीजिए और उस पर ढेर सारी मेहनत कीजिए, बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन मैंने चैनल तो बना लिया था, उसके लगभग 6 महीने बाद भी मेरे चैनल पे कोई व्यूज नहीं आता था, 7-8-10 ऐसे व्यूज आते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था वीडियो वायरल कैसे होता है, टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, और ना ही मैं कभी देखती थी। फिर अचानक से मुझे मनोज जी जो भैया हैं उनका एक वीडियो शो हुआ कि वीडियो एडिट कैसे करें, और उन्होंने उसमें कुछ काइंड मास्टर के बारे में बताया हुआ था, तो मैं वो वीडियो देखी और मैं फिर एक अच्छे से एडिटिंग सीखने की कोशिश की काइंड मास्टर में। और जब ध्रुव मेरा सो जाता था रात को, लगभग वो 9-10 बजे वो सोता था, उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिटिंग का काम करती थी, वॉइस ओवर करती थी, बहुत धीरे धीरे मैं बोलती थी ताकि वो उठ ना जाए। और ऐसे में मैं एक बिल्कुल न्यू मॉम थी, लगभग 4 महीने का था उस टाइम पे ध्रुव, जब मैं ये सब काम सीख रही थी। तो और मेरा जो फर्स्ट वीडियो आया था वो सोमवार के दिन आया था, मेरा व्रत था भोलेनाथ जी का, और मैं इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को दिल से काम करती हूँ क्योंकि मुझे ये यूट्यूब चैनल भोलेनाथ ने आशीर्वाद में दिया है कि मैं बिजी रहूँ और इस पे दिल से काम करूँ, अपनी लाइफ में मैं कुछ आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, और साथ साथ में नेम फेम पैसा सब कुछ कमाऊँ। तो बस यही सारा चीज़ मुझे माइंड में आया कि आज सोमवार का दिन है और आज बहुत अच्छा दिन रहेगा कि मैं एक वीडियो पोस्ट करूं। तो मैंने उस टाइम पे मैं भोग का खाना बना दी थी शाम को, और बस मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट कर दी थी, मुझे बोलना वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसके लगभग 8-10 दिन बाद भी मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फिर मैं मायके चली गई थी ध्रुव को लेके, जो मतलब ऐसे ही रहने के लिए, तो बस वहां पे मैंने
एक दो वीडियो और बनाए थे और फिर मैंने आके माइक ससुराल में भी, फिर मुझे ऐसे धीरे धीरे मतलब वीडियो बनाना अच्छा लगने लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना किचन में जो मैं खाना बना रही हूँ वो सब भी मैं दिखाऊं, तो बस वो भी दिखाने लगी। लेकिन YouTube पर एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिस तरह की आप वीडियो बनाते हो ना, तो आपको खुद ब खुद YouTube ऐसी वीडियो सजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो बस उन्हीं वीडियो से मुझे हेल्प मिलती रही कि ब्लॉग कैसे बनाएं, और जो लेडीजें होती हैं अपना रूटीन कैसे शेयर करती हैं, तो बस उन्हीं की वीडियो मैं देखती रही। देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीखते रहोगे लाइफ में तो बिल्कुल सक्सेस आप पा सकते हो, अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। इसीलिए अगर आप यूट्यूब पर वर्क कर रहे हो तो आपको अपने जो भी चुनिंदा आपके चुनिंदा यूट्यूबर हैं उनको फॉलो करना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूट्यूब पर सक्सेस पाने के लिए। अपनी ही कैटेगरी के मेन मेन यूट्यूबर ऐसे आप चुन लीजिए कि आपको उनको फॉलो करना है। जिस तरह की वो टाइटल डालते हैं, जिस तरह की वो वीडियोस बनाते हैं, कैसे वो एडिटिंग करते हैं, कैसे वॉइस ओवर करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप उनसे सीख गए ना तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पा लोगे। तो कुकिंग का तो मुझे पहले से ही शौक था, लेकिन मुझे इस तरह नहीं पता था कि मैं ऐसे ऐसे मतलब यूट्यूब पे आऊंगी और रेसिपी शेयर करूंगी, आप सबको इतना पसंद भी आएंगी। तो सबसे बड़ी चीज जो हुई मेरे साथ वो हुई मिनी ब्लॉग। मिनी ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया आप सभी ने, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू दिल से आप सभी का। अब मैं बात करूंगी फैमिली के सपोर्टिव की, कि कौन कौन मुझे सपोर्ट किया यूट्यूब पर आने के लिए। तो सबसे पहली बात तो देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और एक मिडिल क्लास फैमिली में लड़की होकर एक सोशल मीडिया पर काम करना कितना मुश्किल काम है ये आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, अगर आप भी मेरी तरह हैं तो। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू बेटियाँ सोशल मीडिया पर आए और दुनिया उन्हें देखे, कोई भी नहीं चाहता है। तो बस यही इस तरह की जो सोच होती है ना वो हमें सोशल मीडिया पर आने से रोकती है। और अब मैं बात करूंगी फैमिली सपोर्टिव का, कि मुझे कौन कौन फैमिली में सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, किसने किया। तो सबसे पहली बात करूंगी मैं अपने मायके वालों की, कि मायके वालों में से मुझे किस किस ने सपोर्ट किया यूट्यूब पर आने के लिए। तो भाइयों की बात करूं तो भाइयों का फुल सपोर्ट रहा शुरू से ही। मैं जो भी काम करती थी उनका बहुत सपोर्ट रहता था। और दूसरी बात मम्मी पापा की, तो पापा को तो पता था ही नहीं, लगभग एक साल तक नहीं पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं वीडियो बनाती हूँ। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी को पता था कि रेखा वीडियो बनाती है, और वो हमेशा ही कहती थी कि चलो ठीक है, अच्छा है बेटा बना रहे हो, कुछ ना कुछ तो करो लाइफ में, बिजी रहना जरूरी है, मम्मी ऐसे कह देती थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इससे पैसा वगैरह मिलेगा, और ना ही मैं कभी बताई थी उनको कि इससे पैसा भी मिलता है। और अब मैं आ जाती हूँ अपने ससुराल की फैमिली में। तो ससुराल में भी किसी को नहीं पता था जब मैं शुरू शुरू में वीडियो बनाती थी, तो बस हस्बैंड को पता था, लेकिन ना तो वो मुझे सपोर्ट करते थे ना ही वो मुझे डिमोटिवेट करते थे, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ वो कभी भी मुझे नहीं रोकते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब फैमिली में थोड़ा बहुत पता लगा कि हाँ मैं ऐसे ऐसे मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुम यूट्यूब पर काम मत करो, लेकिन हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि जो यूट्यूब का काम है वो तुम बंद कर दो अभी हाल फिलहाल के लिए, और थोड़े दिन के बाद जब तुम्हें लगेगा कि हाँ बिजी रहना है और ये अच्छा तरीका है बिजी रहने का तो तुम कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बंद कर दो। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तो मैंने 2-4 दिन वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अब आप सोच सकते हैं, जब एक इंसान जब काम करता है और वो कंटिन्यू अपने काम से प्यार करता है और उस काम को जब वो रोक देता है तो उस पर क्या बीतती है, सेम मेरे साथ भी वही हो रहा था। और ऐसे में मेरा फोन टूट गया था, लगभग अभी पिछले साल की ही बात है ये। तो यूट्यूब पर काम करते ही करते अचानक से मेरा फोन टूट गया था, ध्रुव के हाथों से गिर गया था, और वो ऐसा टूटा था कि उसकी डिस्प्ले ही टूट गई थी। फिर क्या हुआ, मैंने जैसे तैसे करके अपना फोन ठीक करवाया, छोटे वाले भाई से कहा, और छोटा वाला भाई बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेरी इस तरह की चीजों में, खासकर जो फोन के मैटर होते हैं। तो उसने बहुत जल्दी मेरा फोन ठीक करवाया जैसे तैसे करके, लेकिन वो फोन मेरा ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि उसकी डिस्प्ले टूट चुकी थी। तो फिर क्या हुआ, अब मैं देख रही थी हस्बैंड के हाथों की तरफ कि काश वो मुझे अपना फोन दे दें या फिर कहीं से मुझे फोन ला दें, और ऐसा ही हुआ भी। मैं जो सोचती थी वो मुझे लाकर भी देते थे, भले ही मैं कहती नहीं थी उनसे, लेकिन मेरे दिल की बात वो बहुत अच्छे से समझ जाते थे।
तो इसी बीच हस्बैंड ने मुझे एक फोन लाकर दिया था और ये सारी बातें चल रही थी। लॉकडाउन की बातें मैं बता रही हूँ आप सभी को। लॉकडाउन में लोगों की जो इनकम है वो कितनी ज्यादा घट गई थी, यहाँ तक कि हमारी भी बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने मुझे हेल्प की, मेरे लिए फोन ला के दिया और अपना भी फोन दिया था। दो चार दिन जब मैं मायके चली गई थी तो उन्होंने कहा कि मेरा फोन ले जाओ और तुम तब तक इससे काम करना, मैं दूसरे फोन का जुगाड़ कर लूंगा। तो बस इतना उन्होंने कहा था, फिर मैं समझ गई कि हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ ऐसी हर किसी के लाइफ में सिचुएशन आई कि लेडीजों को भी लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब हमारे हस्बैंड की इनकम घट जाती है या किसी रीजन से कम हो जाती है तो हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और मैं मानती हूँ कि आजकल की लाइफ में सिर्फ जेंट्स के लिए कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों के लिए कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब खर्च दोनों के हैं तो कमाना भी दोनों को चाहिए। चाहे थोड़ा कमाओ लेकिन कमाओ जरूर। तो ये काम मुझे अच्छा लगा। घर की चार दीवारी में है, चूल्हा चौका बर्तन और बहुत सारी मतलब चीजें, साफ सफाई, घर की रेसिपीज हो गई और बच्चों की रूटीन हो गए, बच्चों की छोटी छोटी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें मुझे शेयर करने में अब मजा आता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप लोग पसंद करते हो। तो बस इसी के चलते मैं यूट्यूब पर दिल से काम करने लगी और इसी तरह मैं आप सब तक पहुंच पाई और आज ये यूट्यूब पेमेंट मेरे हाथ में है आप सभी के प्यार सपोर्ट से। तो हस्बैंड का सपोर्ट फुल है और हमेशा रहेगा। बस ये है कुछ रूल्स हैं मेरे लिए जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मैं कभी नहीं तोड़ सकती उन रूलों को, क्योंकि मुझे मेरा काम बहुत ज्यादा प्यारा है। तो इसीलिए मैं अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इस काम को करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आईं, बहुत ज्यादा कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ मतलब मुझे फेस करना पड़ा, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो सच कहा है, किसी ने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हाँ मैं ये सब की हूँ। ये पाने के लिए मैंने कुछ ना कुछ तो खोया है, लेकिन जो भी खोया है उसका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। काम से और ईश्वर से ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये दो चीजें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो हमेशा होनी चाहिए। और ईश्वर का आशीर्वाद तो आप देख ही सकते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद शुरू से ही मेरे साथ रहा है, ध्रुव के रूप में और आप सबके रूप में और इस चैनल को ग्रोथ तक ले जाने के रूप में। तो मैं भोलेनाथ की बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। आज जो भी है मेरे हाथ में, चाहे 100 है, 200 है, कितना भी है, मैं कमा रही हूँ और मुझे इस पर प्राउड है। और अब बुरे वक्त में, या बुरा वक्त तो कभी ना आए भगवान, लेकिन छोटे छोटे बुरे वक्त आते रहते हैं हर किसी की लाइफ में। और इसमें क्या होता है, हमें कभी कभी एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो अब कुछ भी होगा तो मैं अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर पाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी इतना सब कुछ करने की कि मैं उनके भी कभी ना कभी काम आ पाऊं इस तरह। और रही बात मेरी यूट्यूब पेमेंट की, तो उन्हें कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं है, मैं कुछ भी करूँ ये मेरी हेडक है, और ना ही वो इस तरह की मतलब सोच वाले हैं कि मेरी YouTube पेमेंट को वो यूज करेंगे या घर में यूज होगी, नहीं। और अभी तक मैं बता रही हूँ, 10 से 12 दिन हो गए YouTube पेमेंट को आए हुए, उन्होंने अभी तक इतना भी नहीं पूछा है कि कितनी आई है, बस इतना पूछ लिया था कि आ गई है और बस कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया था। बहुत ज्यादा खुश हुए थे और सबसे ज्यादा खुशी मेरे हस्बैंड को ही है कि आज मैं कमा रही हूँ, सच पूछो तो वो बहुत ज्यादा खुश है। तो ऐसे ही बस आप सब प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो दिल से मेहनत कीजिए। 2 साल के बाद ये यूट्यूब पेमेंट मेरे हाथ में है, मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पर और एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया है वीडियो का। और मिनी ब्लॉग की पेमेंट है ये सारी, बाकी रही जो लॉन्ग वीडियो की है तो उसकी अभी मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, जो भी $2-4 बनते हैं वो भी माइनस हो जाते हैं, तो इसलिए ये सारी पेमेंट मेरी मिनी ब्लॉग की है। तो मुझे मैं तो सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी जितनी भी मेरी शॉर्ट फीड की पब्लिक है, उनका बहुत सारा थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी मैं लेती हूँ विदा इस वीडियो का यहीं पे, और कैसी लगी मेरी YouTube की जर्नी मुझे जरूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलूंगी आप सभी से कल एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।